हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया की उसके नेबरिंग कंट्री के साथ क्या रिलेशंस हैं। हमने पिछले लेक्चर में पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशन है उसके बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम चाइना और नेपाल के साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं वो देखेंगे। ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, शॉर्ट्स में दिए आपके बुक में, तो अपने शॉर्ट में करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं हमारे रिलेशन चाइना के साथ, कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले चाइना जब बना तब चाइना ऐसे चाइना नहीं, देखो ये जो चाइना है मेनलैंड चाइना इसको बोलते हैं। यहां का जो ओरिजिनल यहां के जो लीडर्स थे वो भागकर एक अलग जगह पर चले गए जिसको आज के टाइम में ताइवान बोलते हैं, और इन्होंने एक अपनी अलग कंट्री बना ली। लेकिन इसको कभी किसी ने पहले कंट्री माना नहीं था। सबसे पहले इसको इंडिया ने ही एक कंट्री माना था, ठीक है। यहीं से इंडिया और चाइना के रिलेशन शुरू होते हैं। तो अपने देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है एम पणिक्कर से। एम पणिक्कर हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के दोस्त थे, तो वहां से स्टार्ट होती है चाइना के साथ रिलेशन। तो सबसे पहले इन्हीं ने हमारे साथ चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनकी स्टार्ट किया उनके साथ। तो सबसे पहले जो इंडिया था उसी ने बताया कि एक चाइना कंट्री है उसको एक देश का दर्जा दो, ठीक है। तो यहीं से एक बड़ा ही फेमस कोट स्टार्ट होता है, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। इसका मतलब है कि देखिए, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी की क्या पॉलिसी थी। नेहरू जी की पॉलिसी थी कि चीन हमारा साथ है, हमारा दोस्त है, हमारा बड़ा भाई है, इसके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। और बात सही भी है। सही बात ऐसी है कि हम हमारा देश तब आजाद हुआ था तो हम पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो अपनी ग्रोथ कैसे करेंगे। तो अपनी ग्रोथ करने के लिए जरूरी है कि इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे हों। हमने हमेशा जो चाइना की सॉवरिटी है, उनकी जो संप्रभुता है, उसकी रिस्पेक्ट की है। कैसे, देखिए सबसे पहले जो चाइना एक देश बना, अब इसमें बड़े पेच आएंगे आगे आप देखोगे। अब चाइना बना कैसे, यहां के लोग भागकर चले गए एक जगह पर, उसको बोल दिया ताइवान। ये भी अपने आप को चाइना बोलते हैं, ये भी अपने आप को चाइना बोलते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये अपने को बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ओके। अब नेहरू ना, ये बात है 1949 की, चीन भी आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, कॉलोनी से वो था यहां पर। तो यहां के जो लीडर थे उनका नाम था माओ। तो नेहरू जी की नीति ये थी, उनकी पॉलिसी ये थी कि चीन को अपना दोस्त बना के रखें। उन्होंने एक दिया हिंदी चीनी भाई भाई। एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमने पढ़ी थी पंचशील, ठीक है। पंचशील में आपने देखा था, उसमें एक बात लिखी गई थी कि हम किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर या वो क्या करें उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम उसको वो करने देंगे, ठीक है। ये बात कई हद तक ठीक थी, लेकिन यहां पर एक हद तक गलत भी हो गई थी। अब वो कैसे हुई थी अपने उसके बारे में अपने देखते हैं। तो सबसे पहले जब चाइना आजाद हुआ, चाइना ने आजाद होने के बाद क्या किया, सबसे पहले चाइना पहले इतना ही था चाइना। इस हिस्से को बोलते थे हिनो या तिब्बत, जो आज इसको अपने तिब्बत बोलते हैं, इसका जो तिब्बत पार्ट है ये था। अब हुआ क्या कि चाइना ने यहां पर कर दिया हमला। ये बात है 1956 की, यहां पर हमला कर दिया और यहां पर काम खराब कर दिया, बोल दिया कि यहां की पावर हम लेंगे।
यहां की जो पावर होती थी वो होती थी यहां के लीडर जिसको बोलते थे दलाई लामा, उनके पास, दलाई लामा के पास। तो दलाई लामा भागकर आ गए इंडिया, या ये भागकर इंडिया आ गए। उन्होंने कहा कि हमें बचाओ। तो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि ये चाइना का इंटरनल मैटर है, हम पंचशील को मानते हैं, पंचशील के अकॉर्डिंग अगर वो हमें कुछ नहीं कह रहा है तो हम भी उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसको जो करना करने, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये वापिस चले गए वहां पर चाइना में, फिर खून खराबा। तो ये वापिस, ये जो दलाई लामा तब क्या थे, टीनेजर थे, तो ये क्या किया, चाइना इनको मारना चाहता था, इनको बंदी बनाना चाहता था। तो ये भागकर फिर आए 1959 में, ये फिर आ गए। जब 56 में आए थे तो चाइना ने कहा था कि आप इसको वापस भेज दो, दुश्मन है हमारे देश का, हम इससे निपटेंगे। तो जब 1959 में फिर गया तो इसने कहा कि यार ठीक है, हमारा देश आप आजाद नहीं करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी तो होती है, एक मानवता तो होती है, वो हमें मार रहे हैं तो आप हमें बचा लो, हम आपसे शरण ले रहे हैं। तो भारत ने उसको शरण दे दी। यहां से चीन का भारत के प्रति रुख बदल गया और चीन को लगने लग गया कि ये बात गलत है, इसने मेरे दुश्मन को अपने पास रखा है। चीन की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी इंपेलमेंट की। चीन की जो पॉलिसी थी वो की थी एक्सपेंशनिज्म की, एक्सपेंशनिज्म की, मतलब चीन अपना जो एरिया वो बढ़ाना चाहता है हर तरफ। चीन की एक फाइव फिंगर फाइव स्टेट पॉलिसी है, उसमें चीन बोलता है कि इंडिया का जो तिब्बत पार्ट है, जो भूटान का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट नेपाल का है, कुछ पार्ट अपने अरुणाचल का है, कुछ पार्ट अपने सिक्किम का है, वो पार्ट चाइना का है, ये चाइना क्लेम करता रहता है। अब चाइना ने ये कहा कि ये सारा पार्ट हमारा, हम एक दिन लेकर रहेंगे। मतलब तो चीन अपने आप को बढ़ाना चाहता है, ये चीन की पॉलिसी है, एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी। ठीक है, अब अपने देख रहे हैं भी कैसे, देखो ये स्टार्टिंग थी। इसके अलावा इंडिया ने चाइना को सपोर्ट बढ़ा दिया। जब सिक्योरिटी काउंसिल के, जब सिक्योरिटी काउंसिल जो आपने पढ़ी यूएन में, उसके जो परमानेंट मेंबर बना रहे थे, P5 बोलते हैं उनको, उसमें चाइना को भी एक मेंबर बनाओ, इस चीज को सपोर्ट किया था इंडिया ने। कई लोग बोलते हैं कि इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि आप बन जाओ, मेंबर नहीं आई थी कभी, लेकिन इंडिया ने सपोर्ट किया था इसको, ये बात सच है। तो इस प्रकार इंडिया की तरफ से तो इंडिया ने सोचा कि रिलेशनशिप्स हो अच्छे, लेकिन चाइना ढूंढ रहा था बहाने कि आपके साथ कैसे ना कैसे लड़ाई की जाए। अब ये बात पता चली 1962 की वॉर में। हुआ क्या कि इंडिया ने हमेशा सोचा था कि चाइना अपना बड़ा भाई है, इसके साथ मिलकर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन चाइना ने ये नहीं सोचा था। चाइना ने अपने देश को बड़ा करना था। चाइना की जो पॉलिसी है वो है कम्युनिज्म पर टिकी हुई, वो पॉलिसी है कम्युनिज्म पर टिकी हुई। तो चाइना ने एक, ये माओ को मानते तो माओइज्म ऐसा था। तो चाइना ने क्या किया, 1962 की बात है, सुबह 5 बजे दो जगह, एक तो हमारे अरुणाचल प्रदेश, एक हमारे जो कश्मीर की इधर तिब्बत है, लद्दाख एरिया जिसको बोलते हैं, उस लद्दाख वाले साइड में इन्होंने हमला कर दिया, और बहुत सारा हिस्सा यहां पर दबा लिया, बहुत सारा यहां पर दबा लिया। उस वक्त इंडिया की मिलिट्री इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, तो इन्होंने वो एरिया दबा लिया। इस कारण से हमें दिक्कत आ गई, उस वक्त हमें बहुत बड़ा झटका लगा, उस वक्त से हमारे संबंध खराब होने शुरू हो गए। हमने चीन को एक बड़ा भाई माना था, लेकिन उसने जैसे ही मौका मिला हमारी जमीन हमसे छीन ली। बाद में एग्रीमेंट भी हुए, चाइना ने ये हिस्सा थोड़ा सा छोड़ भी दिया, थोड़ा तो क्या, मतलब वापस से अपनी डिसएग्रीमेंट कर ली, लेकिन ये जो हिस्सा है जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो था पहले, अब तो अलग से टेरिटरी है, लद्दाख है, तो लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा चाइना ने हथिया लिया, और बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, समझौते हुए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन एक भी मीटिंग का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ। चाइना ने कभी एक इंच जमीन भी छोड़कर हमें वापस नहीं दी। चाइना मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने किसी की जमीन ली है, वो तो हमेशा ये कह रहा है कि ये तो हमारी ही थी। ठीक है, तो ये चाइना की पॉलिसी रही है। अब
इसमें थोड़ा अपने और आगे देखते हैं, बढ़ के क्या है अगले मुद्दे। अब बहुत सारी हमने बातें की, लेकिन चाइना के साथ कभी कोई बातचीत सिरे नहीं लगी है, कोई बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई है। अब आता है एक पेच रशिया वाला कि हमारा रशिया के साथ क्या कनेक्शन है चाइना को लेकर। देखिए, ये चाइना है ऐसे करके कंट्री, चाइना ऊपर इसके है रशिया, बड़े सारे कंट्री है, इधर इसके है, इधर एक और कंट्री है, और यहां पर से आ जाता है अपना प्यारा भारत। ठीक है, चाइना ये काफी बड़ा है, ये बहुत बड़े बड़े कंट्री है, भारत छोटा है इससे। तो क्या हुआ, चाइना की जो पॉलिसी थी कम्युनिज्म वाली, उससे रशिया को बड़ा नुकसान हो रहा था इसके ट्रेड को, पहली बात। दूसरा, चाइना के साथ रशिया का बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो चाइना के साथ भारत का भी था, तो उसने सोचा कि अगर इसके साथ मैं हाथ मिला लूं इंडिया के साथ, तो चाइना भी कंट्रोल मिलेगा। तो एक रशिया ने एक बैलेंस करने के लिए भी इंडिया के साथ हाथ मिलाया था। एक क्यों मिलाया था, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान सपोर्टर था, पाकिस्तान जो सपोर्टर था वो था अमेरिका का, अमेरिका और रशिया की भी बनती थी, भारत और पाकिस्तान की बन रही, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए तीन चार कारण थे कि रशिया के साथ एग्रीमेंट भारत ने कर लिए और इनके बन गए ये दोस्त। ठीक है, और चाइना और इंडिया में क्या दिक्कत चल रही है, इनके अंदर चल रहे हैं वाटर डिस्प्यूट, इनके अंदर चल रहे हैं वाटर डिस्प्यूट। क्या है वाटर डिस्प्यूट, देखिए पानी को लेकर झगड़ा है। एक नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो चाइना से चलकर इंडिया में आती है, उसको चाइना में बोलते हैं यारलुंग सांगपो। ये यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र से देखो, ये मान लो चाइना है, ये इंडिया है, यहां से पानी इंडिया में आ रहा है। अब चाइना ने, ये बहुत बड़ी नदी है, अब चाइना ने यहां पर बड़े बड़े बना दिए डैम, कैसे बनाए वो बता नहीं था। अब चाइना कभी तो पानी तेज कर देता है, कभी कम कर देता है, कभी कभी जरूरत है पानी इसने रोक लिया, नहीं जरूरत है पानी एकदम छोड़ दिया, यहां पर आ गई अपने बाढ़ फ्लड आ गई। तो चाइना कभी बताते नहीं इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, कितना पानी स्टोर होता है, इस बारे में कभी वो टेक्निकली जानकारी हमें देता ही नहीं है, इस कारण ये डिस्प्यूट है। ठीक है, बांध बनाया है, हमें बताओ ना भी क्या कैपेसिटी है, आप कितना पानी छोड़ सकते हो, ये कभी चाइना बताया नहीं था, इस कारण डिस्प्यूट है। अभी आपने देखा होगा कि असम में बिहार में बाढ़ आ जाती है, उसका कारण एक ये भी है। ठीक है, और देखते हैं, अब है फिर भी हमने डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, ग्रोथ करने की कोशिश की है चाइना के साथ अपने रिलेशंस की। तो तब के जो प्रधानमंत्री थे हमारे मुरारजी देसाई, उन्होंने भी, उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमने चाइना के साथ इंटरनेशनल गेम स्टार्ट किए हैं, हमने टेबल टेनिस बैडमिंटन ये गेम स्टार्ट किए हैं। तो यहां से पता चलता है कि हम चाइना के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। देखो, एक इंडिया है यहाँ पर, ठीक है, यहां पर नेपाल है, यहां पर भूटान है, यहां पर है चाइना। नेपाल को हमेशा एक बफर बना के रखा है इंडिया ने, इसके बीच में भूटान है, भूटान की फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करता है हमारा भाई इंडिया। अब क्या हुआ, भूटान में एक एरिया है डोकलाम, ये पिछले दिनों बड़े में चर्चा में था। भूटान ने, चाइना ने क्या किया, डोकलाम पर अपने सैनिक खड़ा दिए, सोल्जर, ये एरिया हमारा है, लेकिन ये एरिया है किसका, इंडिया का। मतलब चाइना की जो मेन दिक्कत क्या है, वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है, वो अपने एरिया को बड़ा करना चाहता है। अपना जो कश्मीर का एरिया, लद्दाख का एरिया, वो चाइना ने आधा दबा रखा है, उस चीज को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना, अभी भी दिक्कत चल रही थी, एक आपने सुना होगा 5 फिंगर 8 फिंगर, एक वहां पर पहाड़ियां हैं पोंगसुंग लेक के पास कश्मीर में, वहां पर ऐसे 8 पहाड़ियां हैं। तो क्या हुआ था, एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों में, वहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उनका नाम था रेडक्लिफ। इन्होंने बताया था कि देखो, उस वक्त इंडिया और चाइना दोनों ही अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो इन्होंने बताया था कि कितना एरिया, एक ही एरिया लाइन, इससे इधर चाइना इधर इंडिया है, लेकिन चाइना बोलता है कि हम वेस्ट वालों की बात नहीं मानेंगे,
तब जब इन्होंने ये समझौता किया था तब हम गुलाम थे, लेकिन हजारों साल पहले ये एरिया हमारा था, ये तो अंग्रेजों ने आके दीवारें खड़ी कर दी, हम इसको नहीं मानते, ये डिस्प्यूट है मेन। तो चाइना कभी मानते ही नहीं जो अंग्रेजों ने लाइन खींची सही खींची है, रेड क्लिफ सही है, नहीं मानता। अभी एट फिंगर वाला क्या रोड़ा था, इसमें क्या डिस्प्यूट था। अब हमारी जो बाउंड्री है अंग्रेजों ने जो खींच के दी वो यहां तक है, ये जो आठ पहाड़ी है आठवीं पहाड़ी तक, लेकिन चाइना वाले सोल्जर यहां तक आ गए चौथी पहाड़ी तक, उन्होंने अपने यहां पर लाके बंकर बना लिए। अब इंडिया ने कहा कि ये तो हमारा एरिया है, बाहर जाओ। ये लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे एक कर्नल और दो दो सोल्जर हमारे शहीद हो गए थे, बड़ा लंबा चला था ये विवाद। अब अपने आगे देखते हैं, तो ये है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स। इसके अलावा शी जिनपिंग वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इंडिया को विजिट किया कई बार, भारत के लोगों ने भी उनको विजिट किया है, कई बार कोशिश की है कि रिश्ते सुधरें। अब बात करते हैं ट्रेड की। चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, लगभग 250 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया और चाइना में। इसका लगभग 16% इंडिया करता है एक्सपोर्ट और लगभग 84% चाइना करता है इंडिया को। ठीक है, तो ये थे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप। आपके बुक में ज्यादा लंबे नहीं है, 2-3 पेज के ही है, तो अपने मैं इसमें ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, जितना है बता दिया। अब अपने आगे चलते हैं, इंडिया के नेपाल के साथ क्या रिलेशंस हैं, अपने आज वो पढ़ेंगे। इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो देखो इंडिया के नेपाल के साथ हजारों सालों से रिलेशन चलते आ रहे हैं। हमने कभी इनको विदेशी नहीं माना, इनको अपने लोग ही मानना है। जैसे श्रीलंका वाले लोग हैं ना, चलो तो पाकिस्तान तो अलग हो गया, अलग देश बन गया, खटास आ गई रिश्तों में, लेकिन नेपाल हमारा कई हजार सालों से दोस्त रहा है। नेपाल एक टाइम में ऐसी कंट्री थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे, लेकिन आज के टाइम में एक ये सेकुलर कंट्री है, ये सभी धर्मों का सभी का रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, तब तो अपने देखते हैं क्या थी इनिशियल स्टेज। तो 1794 से लेकर सॉरी 1723 से लेकर 1774 तक नेपाल के किंग थे पृथ्वी नारायण, पृथ्वी नारायण शाह। इन्होंने बताया इसके टाइम से जो इंडिया के साथ इनके रिलेशन बने थे, इंडिया में आना जाना इनके साथ ट्रेड था। वैसे कहने को क्या एक नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। ये भी देखो, इसको अंग्रेजों ने ऑफिशियली कॉलोनी डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन इस पर भी राज था वो अंग्रेजों का ही था। उनके हिसाब से इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिक्स काम कर रही थी। ठीक है, ये भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही काम कर रहे थे। अब हमें देखते हैं कि इसमें क्या है। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो चाइना है वो हमेशा भारत को हमला करता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में एक कंट्री है नेपाल। इंडिया को समझ में आ गया है कि नेपाल एक उसके लिए बफर जोन है, नेपाल एक बफर जोन है। अगर ये इस पर दिक्कत आ गई मतलब कल को भारत पे दिक्कत आएगी। तो 17 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि नेपाल पर होने वाला हर हमला इंडिया पर होने वाला हमला है, क्योंकि कभी ना कभी वो इंडिया तक पहुंच जाएगी, तो नेपाल पर अगर कोई हमला करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तब से ही नेपाल और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन ये अपने अपने समय में कभी उतार चढ़ाव पर अप डाउन में आते रहे हैं। अपने वो देखते हैं अभी क्या इसमें अप और डाउन आए हैं, क्या अप्स हैं और क्या इसके अंदर डाउन हैं। सबसे पहले जो कहां से नेपाल है कहां से इंडिया है, इस चीज का डिसाइड कैसे होता है। अभी पिछले दिनों में इस पे भी डिस्प्यूट हो रहा था कि नेपाल कह रहा है कि इंडिया ने ऐसे मेरा जमीन ले लिया हमारी। ठीक है, देखो जैसे ये है इंडिया है, से यहां पर है नेपाल, पहले नेपाल इतना नहीं था, पहले नेपाल था इतना ऐसे था, तो अंग्रेजों ने बता दिया कि ये वाला एरिया उत्तराखंड है, ये इंडिया में कर दिया और वो भी इंडिया में कर दिया, तो ऐसे एक लाइन कीजिए। ठीक है, एक रिवर है काली नदी, काली रिवर, एक है महानदी, उनके हिसाब से ये इनकी बॉर्डर बनाई गई थी। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है,
वो नदियां है ना अपना पानी कभी तो ऐसे चल रही है, पीछे से ऐसे आ रही है, कभी वो ऐसे हो गई है। तो भारत मानता है कि ये जो नदियां हैं इस पर बनेगी। अब नेपाल क्या क्लेम करता है, वो कहता है कि पहले नदी ऐसी थी ये, पहले पहले नदी ऐसी थी, मतलब इंडिया यहां तक था, अब नदी तब यहां पर खंबे लगे हमारे, अब क्या नदी यहां पर ऐसे बहने लगी है तो इंडिया यहां तक आ गया। क्या उन अंग्रेजों ने जो लाइन खींची थी वो उस वक्त खींची थी, मतलब यहां पर जब उस वक्त जो नदी थी उस वक्त को बाउंड्री मानकर, तो इसी को बाउंड्री मानना, अब नदी जाए इधर जाए चाहे इधर आए चाहे खत्म हो जाए। नेपाल कह रहा है ऐसे बात है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि नदी कहीं नहीं, किसकी नदी वही है। ऐसे कुछ इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में ऐसे वो मतभेद हैं। अब अपने आगे देखते हैं क्या है। अब ब्रिटिश टाइम से ही इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे रहे हैं। नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे हैं कि वहां के लोग इंडिया में बिना वीजा के आ जा सकते हैं, ट्रेड चलता रहता है। यहां तक कि नेपाल के एक खास कम्युनिटी को इंडिया अपनी आर्मी में रिक्रूटमेंट भी देता है। आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट। देखो हर देश है दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे देता है, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ खास बात क्या है, बाकियों में तो नौकरी देते हैं, यहाँ पर अपनी आर्मी में भी नौकरी दे देते हैं, आर्मी में भी आने देते हैं। तो इंडिया की जो गोरखा रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी जो गोरखा रेजिमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट नेपाल से आता है, नेपाल से भर्ती होता है। आज के टाइम में लगभग 30,000 गोरखा सोल्जर्स नेपाली हैं। आज के टाइम में लगभग 50 लाख लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो नेपाल के हैं। इसको कोई वीजा नहीं दिया, इनको कोई कुछ नहीं दिया, लेकिन आ सकते हैं। नेपाल को इंडिया ने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई बनकर रहूंगा, लेकिन फिर भी नेपाल और इंडिया में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इसके कई कारण भी है। इसका एक कारण है, एक अगर ट्रीटी हुई थी अपने नेपाल के साथ 1950 में, वो ये हुई थी कि नेपाल ने को इंडिया ने कहा था कि तुम हमारे और चाइना के बीच में बफर हो, और तुम्हारी सिक्योरिटी मतलब हमारी सिक्योरिटी, अगर तुम पर कभी हमला होगा तो हम उसको बचाएंगे। तो नेपाल ने इस पर हाथ कर दी थी, लेकिन नेपाल ने कह दिया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करोगे, हम चाहे चाइना के साथ बोले चाहे अमेरिका के साथ बोले वो हमारी मर्जी है। ये बात हो गई थी। अब धीरे धीरे क्या है, इस बात में नेपाल क्या है, चाइना की तरफ जा रहे हैं। चाइना ने नेपाल को बड़ा डेप्ट दे रखा है, कर्ज दे रखा है, लोन दे रखा है। चाइना उसको चुका नेपाल उसको चुकाने के लिए, उसको देने के लिए चाइना की तरफ जा रहा है। यहां से ही दिक्कत स्टार्ट हो रही है। अब नेपाल में दिक्कत क्या आई थी, नेपाल में पहले क्या है, मोनार्की है। अब वक्त वक्त पर इस मोनार्की का विरोध होता रहा। लगभग 200 साल बाद 2008 में नेपाल में मोनार्की खत्म हुई और यहां पर एक कंप्लीट डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी कहने के पहले भी थी लेकिन बाद में कंप्लीट हुई है, जब यहां पर विद्या देवी भंडारी पहली बार उनकी प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, आज के टाइम यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो केपी ओली साहब हैं, और मानते हैं कि वो इंडिया का विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस टाइप से एक इंडिया और नेपाल में डिस्प्यूट है यहाँ के राजा का। माना जाता है यहाँ पर एक राणा किंग की फैमिली थी, उनके 17 मेंबर्स थे। वो 17 मेंबर जब भागकर इंडिया में आ गए तो इंडिया ने उनको अपने पास रख लिया, और नेपाल की सरकार इससे बड़ी नाराज है कि हमारे देश से लोग भाग रहे हैं, इनको रख लिया। बाद में इनको जब ये वापस आए तो किसी तरह इनको बड़ा ही रहस्य में तरीके से इनको मरा दिया गया, और जितेंद्र सिंह यहाँ बन गए राजा। तो ऐसे कुछ डिस्प्यूट हैं जो इंडिया नेपाल के अंदर है, लेकिन फिर भी इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नेपाल के अंदर मैक्सिमम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की है। नेपाल के अंदर लगभग 68% इन्वेस्टमेंट इंडिया की है। नेपाल की इकोनॉमी का जो 43% जिसकी अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इंडिया की है। तो इंडिया के साथ ट्रेड नेपाल का दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन आज जो वहां पर जो केपी ओली वहां के जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनका झुकाव थोड़ा चाइना की तरफ है। इसके दो कारण है, एक तो उन्होंने चाइना से ले रखा है डेप्ट, बहुत सारा कर्ज ले रखा है। दूसरी बात, वो इस सरकार के थोड़े सपोर्टर हैं। इस कारण से नेपाल थोड़ा सा इंडिया से दूर हो रहा है, नेपाल के साथ इंडिया के थोड़े डिस्प्यूट आ गए हैं, लेकिन फिर भी हजारों सालों का सिर्फ नेपाल का हमारा रिश्ता है और वो बना रहेगा।
ये था इस लेक्चर का एंड। आप बुक में से पढ़िए, समझ में आएगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है ये। अलग अलग डाटा है उसके अंदर, पढ़िए आप कैसे कैसे कौन कौन से यहाँ पर किंग आए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और इस लेक्चर को आप दो बार देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये थे इंडिया के नेपाल और चाइना के साथ रिलेशंस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, वो है हमारे जो ईस्ट के साथ सार्क है, बिम्स्टेक है, जो ग्रुप्स बने हैं ईस्ट नेशन के साथ, ठीक है ना, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद, थैंक यू।